हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे पबजी के गुंडे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी एफ 62 की पबजी सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये सैमसंग गैलेक्सी एफ 62 की पबजी मोबाइल सेंसिटिविटी है। फ्रेंड्स, पहले ये आप सेंसिटिविटी अपने मोबाइल में सेट कर लेना, फिर देखना कि कैसा रिकॉर्ड आ रहा है। मैं तो आगे जाके वीडियो में आपको दिखाने ही वाला हूँ कि कैसा रिकॉर्ड आ रहा है। 2x, 3x, 4x, रेड डॉट, 6x, होलोग्राफी, सब स्कोप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा रिकॉर्ड आ रहा है। बस आप ये सेंसिटिविटी अभी सेट कर लेना, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छा रिकॉल भी आने लगे। फ्रेंड्स, आपके पास सैमसंग गैलेक्सी एफ 62 के अलावा कोई भी फ़ोन है तो आप ये सेंसिटिविटी उसमें सेट करके देख लेना। जो अच्छा रिकॉल आ रहा है वही आप सेट करके रखना, जो थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉल आ रहा है तो आप डेली प्रैक्टिस करना ताकि आपका रिकॉल भी अच्छा आने लगे। फ्रेंड्स, आप जब भी पबजी खेलो तो पहली गेम TDM की करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक गेम खेलने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डेली की डेली आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिकॉइल भी अच्छा आने लगेगा। तो आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप ये सेंसिटिविटी अब सेट कर लेना, और सेट कर लियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और मैं आगे जाके आपको दिखाने भी वाला हूँ कि रिकॉइल कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो, ये रेड डॉट का रिकॉइल आपको दिखा रहा हूँ, 0 रिकॉइल आ रहा है। आगे जाके मैं सब स्कोप का रिकॉइल बताने वाला हूँ और AWM का भी बताने वाला हूँ। जो सभी तरह से 0 रिकॉल आ रहा है, किसी भी बंदे को आप आसानी से फेल सकते हो। अब मैं होलोग्राफी लेकर आपको दिखाता हूँ रहा है। चलो देख रहे हो, इसमें भी 0 रिकॉल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ताकि मुझे भी पता चले, तो आप देख सकते हो ये 2S का भी 0 रिकॉल आ रहा है। फ्रेंड्स, आपके अंदर एक बात मुझे बहुत ही बुरी लगी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए भी नहीं चलेगा तो ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि सेंसिटिविटी सेट करने में कितना दिन लगता है और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके अच्छी सेंसिटिविटी मिल पाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी फ़ोन की सेंसिटिविटी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं सभी फ़ोन की सेंसिटिविटी ला के दूंगा, बस आप कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपके पास कौन सा फ़ोन है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मेरे को पता चले कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो और पबजी कौन से फ़ोन में खेलते हो। फ्रेंड्स, आप 6x में देख सकते हो 0 रिकॉल भी आ रहा है, थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा है, वो डेली प्रैक्टिस करने से वो भी रिकॉइल अच्छा आने लगेगा। मैंने 6x में बहुत ही कम प्रैक्टिस की है इसलिए रिकॉइल बहुत अच्छा नहीं आ रहा, बट डेली प्रैक्टिस करने के बाद इसका रिकॉइल भी अच्छा आने लगेगा। तो आप मैं AWM में भी चला के दिखाता हूँ कैसा रिकॉइल आ रहा है। आप देख सकते हो उसमें भी वाइब्रेट कम हो रहा है। अब किसी भी बंदे को कहीं भी छुपा हो तो आप आसानी से उसको हेडशॉट मार सकते हो और चिकन डिनर के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप ये सेंसिटिविटी सेट करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसा रिकॉइल आ रहा है और कितने चिकन डिनर कर पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सेंसिटिविटी अब सेट भी कर ली होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको M460 में रेड डॉट होलोग्राफी 2x, 3x, 4x, 6x सब स्कोप में चला के दिखाया। आपको कैसा रिकॉइल लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और AWM में भी चला के दिखाया उसका रिकॉइल भी कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि हमको पता चले कि रिकॉइल कैसा है। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो
नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच गया।